बच्चा पैदा हो पालतू जानवर के मिलाप से तो उसको हमेशा याद रखना कि जानवरों में बच्चा माँ के सामने होता है, इंसानों में बाप के सामने होता है। जैसे खाली उमर बिन बकर किसके साथ किसका नाम चलता है? बाप के ताबे। लेकिन जानवरों में बच्चा माँ के सामने होता है। आई समझ में बात? आपको पता है पक्षी जानवर की कुर्बानी नहीं होती, पालतू जानवर की कुर्बानी होती, जंगली गाय की कुर्बानी नहीं होती। हाँ, पालतू गाय की कुर्बानी होती। समझे? अब जंगली जो बैल था जो उसने दृष्टि की किसे? पालतू गाय से बच्चा पैदा हो गया। अब उस बच्चे की कुर्बानी होती है क्यों? तो बच्चा किसके ताबे है? इसी तरह बकरी उसके साथ दृष्टि की किसने? भेड़िए में फट कर लेते हैं, बच्चा पैदा हुआ। अब वो बाप के ताबे नहीं, उसके ताबे हैं, माँ के ताबे। उस बच्चे की कुर्बानी हो सकती है। माँ के ताबे क्यों है? इसलिए कि नर से जो निकले थी वो निकलेगा पानी, और पानी के ऊपर कोई हुक्म लग नहीं सकता, और माँ से जो चीज निकलेगी वो निकलेगी बच्चा। बच्चा किसके निकलेगा? माँ से। उस बच्चे पर हुक्म लगेगा तो वो निकल गया माँ से, क्या था वो माँ के काबू। समझ तो आ रही है? नहीं आ रही बात? जी, ये जो सुन कर कह दिया वक्शी, जो आली और वक्शी जानवर यानी पालतू और जंगली जानवर के मिलाप से जो बच्चा पैदा होता है वो माँ के ताबे होगा बाप के नहीं। जो सुन याद रखना कि अल्लाह ही अल असल फितर, ये ताबे होने के एतबार से जानवरों में उसूल दे दिया है कि बच्चा हमेशा जानवरों में माँ के ताबे होगा बाप के नहीं। पक्का उसूल हटता है। यहाँ तक कि अगर चढ़ाई की सुस्ती की भेड़िए बकरी पर लुभा तो बकरी जिस बच्चे को जने की, अगरचे उस बच्चे का बाप जो है लेकिन बच्चा माँ के ताबे है, लिहाजा बच्चे की कुर्बानी हो सकेगी। अब खत्म हो गया। मसूल था पाला वो चीजें करो जिसमें बाहर को बाहर। अगला मसला साहिबे कुदूरी मतन, साहिबे कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सात लोगों ने गाय खरीदी। क्यों खरीदी? हो गया कुर्बानी के लिए, ऐसे ताकि वो कुर्बानी करे। फिर वो क्या सम्मा का असा जो कभी कुर्बानी के पहले ही उन सात में से एक का इंतकाल हो गया। वो कौन है तेरी वारस है तू? इस बार हुआ उसके जो वरसा थे उन्होंने क्या कहा? पाले वरसा उन्होंने कहा क्योंकि पाले की तो कुर्बानी हो नहीं सकती, पहले गुजर चुका। पाले वरसा ने इसलिए पाले की नियत कर दिया था, उसके कहने का भी एतबार नहीं है। पीछे छोड़े उसने मिसाल के तौर पर पाले वरसा। अब जैसे ही उसका कुर्बानी का जब उसका वो एक शख्स का इंतकाल हो गया उन सात में से, अब वो तो मालिक ही ना हिस्से का, क्योंकि उसके मरते ही उसके तरके के मालिक कौन बन गए? उसके वरसा। अब ऐसे भी मालिक बनते उसके वरसा और कुर्बानी की भी शरीक में, तो अब मालिक चूंकि वरसा बन गए हैं, वरसा की जानिब से अगर इजाजत नहीं आएगी तो कुर्बानी किसी एक की भी नहीं होगी। ये बड़ी गड़बड़ ये हमारे जामे में पहले आए ना, वो
इंतजाम उससे बंदा मर गया। ओ हो जल्दी से जल्दी भरोसा जल्दी से उनको कहोगी के नियत कर रहे हैं कुर्बानी पहले मैयत की जगह से करें। हमारी जैसे दफ्तर कुर्बानी मैयत के लिए होती वो कुर्बानी की नियत कर ले इजाजत दे दें वरना किसी एक की भी कुर्बानी नहीं होगी उसे इजाजत दे कर वही कहा ना वो कौन लेकिन वो रखा तू और अच्छा ने कहा इस कौन कि इसको कुर्बान कर दो उसकी तरफ से और अपनी तरफ से यानी हम कहते हैं कि मैयत की तरफ से मछली कुर्बानी कर समझ आ रही है तो मैयत की भी कुर्बानी है तुम्हारी भी कुर्बानी है कर लो कुर्बानी ये किसने कहा वरसा वरसा ने अगर इजाजत दे दी क्योंकि उसके मरने के बाद मालिक कौन बन गए थे वरसा अब तो जायज हो जाएगा अच्छा अब ये जायज हो जाएगा और अगर इजाजत ना दी किसी एक की भी कुर्बानी नहीं होगी उस जानवर की एक तो ये मसला हो दूसरा मसला वो इंसान शरीफ उससे कभी मसला नहीं समझे अगर उन शुरका में से एक शरीफ सातवां शरीफ था ईसाई था या कोई एक शरीफ ऐसा था जिसकी नियत गोश्त लेने की थी इबादत की नियत नहीं थी किसी एक की भी कुर्बानी नहीं ईसाई था काफिर था या उसके गोश्त की नियत थी किसी एक की भी कुर्बानी नहीं थी। अब देखो अब लोग मिले जुले ही होते हैं कुछ समझ नहीं आ रही होती बीच में का ज्ञानी आ जाता है बीच में गलत चीजें वाला आ जाता है शिया गलत चीजें वाला आ गया क्या पता चलता है कि इतने सात बंदों ने तो इसकी बड़े अच्छे तरीके से तहकी कर लेती है समझे जब गोश्त की नियत वाला आ जाता है किसी एक की भी उसमें कुर्बानी नहीं होगी नहीं होगी किसी एक की कुर्बानी। अब दो दावे आ गए ना अगर एक मर गया साथ में से परसा ने इजाजत ना दी तब भी किसी एक की कुर्बानी नहीं होगी और अगर उन्हें वाला था या उसकी इबादत की नीयत नहीं थी बल्कि गोश्त की नीयत थी किसी एक की कुर्बानी नहीं ये तीन दावे आ गए। अब दावे के लिए चाहिए दलील अब दलील इन दावों की दलील क्या है दलील सुनाओ। दलील ये है कि बड़े जानवर के सात हिस्सेदार हो सकते हैं मैंने आपको अभी दिखाई गाय ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा डाला है उनके साथ छह शरीक और भी थे तो हदीस से साबित है बड़े जानवर में सात शुरका कौन ये शायद दलील तो गुजर चुकी है पहले दोबारा देने की जरूरत नहीं सर मैंने तो बड़े जानवर में दलील से साबित हो चुका कि कितने हिस्सेदार हो सकते हैं लेकिन सात तो हो सकते हैं कुर्बानी जायज भी हो जाएगी लेकिन जायज होने के लिए एक शर्त भी है शर्त क्या है कि सातों ने इबादत की नीयत की हो कोई एक भी उन सातों में ऐसा आ गया जिसकी नीयत इबादत की नहीं थी या वो इबादत ही का अहल नहीं था फिर किसी एक की भी कुर्बानी नहीं तो कुफरिया सीधे वाला आ गया वो इबादत की नीयत भी कर ले तो इबादत का अहल नहीं है तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी या मुरीद लखन आ गया गोश्त का इरादा करने वाला ये विवाद लोग करते कि चलो यार ईद वाले दिन घर गोश्त तो आएगा ना ठीक है मतलब आपकी जिद्दत है ईद वाले दिन भी घर पर गोश्त मौजूद नहीं चलो पकड़ पकड़ कर लिए पैसे कर लिए और गाय ने हिस्सा बड़े जानवर में हिस्सा डाल लिए किसी एक की भी कुर्बानी नहीं क्यों क्योंकि कुर्बत की नीयत जरूरी है बगैर गुर्बत की नीयत की कुर्बानी होगी तो सारी इबादत है ना तो इबादत वाली नीयत करना जरूरी वाकिन में शर्त नहीं सात शुरका तो हो सकते हैं लेकिन शर्त ये है कि हर शरीक की नीयत किसकी हो गुर्बत और इबादत की हो नसरानी
या कुफरी या कीदे वाला इबादत का अहल ही नहीं, लिहाजा उस जानवर में किसी की भी कुर्बानी जायज बन गई। या किसी ने गोश्त की नीयत की, वो भी इबादत नहीं है, किसी की भी नहीं होगी। लेकिन इससे एक नुकता और निकला, वो क्या निकला जो हमने कहा इबादत की नीयत होना जरूरी है, अगर जे इबादत की जिहत मुख्तलिफ हो तब भी कुर्बानी। मिसाल के तौर पर किसी ने क्या किया, कुर्बानी की नीयत कर ली, वो भी इबादत है। किसी ने अकीके की नीयत कर ली, वो भी नीयत है। किसी ने नफली कुर्बानी की नीयत कर ली, वो भी इबादत है, नफली इबादत वाले कभी आ रहा है। किसी ने अपने फौत शुदा के लिए कर लिया, तो चलो उसका सवाब उसको पहुंचाता हूँ। किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत कर ली अपने, तो वो भी नकली कुर्बानी है और इबादत की नीयत है, इसका सवाब हुजूर को पहुंचे। सवाब वाली नीयत इबादत वाली नीयत आई में नहीं आई, तो इबादत वाली नीयत होना जरूरी है, अगर कि इबादत की जिहत मुख्तलिफ भी क्यों ना हो तब भी कुर्बानी हो जाएगी। क्योंकि कुर्बानी इबादत है या नहीं है, और अकीका और नकली कुर्बानी वो भी इबादत है। जब इबादत है तो इबादत को इबादत के साथ मुल्लक किया जा सकता है, सबकी कुर्बानी होगी। हाँ, अगर एक हिस्सा भी वो आ गया जो गैर कुर्बान था, इसमें इबादत की नहीं है, कुफ्रिया कीने वाला आ गया, तो इबादत का हल ही नहीं है। या किसी ने गोश्त की नीयत कर ली है, वो तो इबादत है अब किसी की नहीं होगी, क्योंकि इबादत की नीयत होना शर्त है, अगर जो जीत मुख्तलिफ ही क्यों ना ना, उसी गाय के हिस्से में अकीके के हिस्से भी गंदे होते हैं, नफली कुर्बानी भी हो रही होती, क्योंकि वो सब इबादत है, और इबादत ही की नीयत होना शर्त है, कुर्बानी की नीयत होना शर्त नहीं है। सातों हिस्सों इबादत की नीयत, कुर्बत की नीयत होना शर्त नहीं समझ आई बात। तो वह जो दलील क्या है, गाय सात लोगों की तरफ से कुर्बानी हो सकती है, गुजर चुका बड़ा जानवर हो सकता है, लेकिन इस सात हिस्सों की तरफ से तो हो सकती है, लेकिन इसकी शर्त ये है कुर्बाता के उन सातों ने नियत और इरादा और कष्ट किया हो किसका कुर्बत का इबादत का। अगर जे उस इबादत की जिहाद मुख्तलिफ क्यों ना हो, किसी ने नफली कुर्बानी, किसी ने अकीका, किसी ने दमे किरार, किसी ने दमे तमत्तो, ये भी तो हो सकता है, वो भी इबादत ही है। कल उज़हियती वल क़िरान वल मुत्अति इंदना, अब ये सारों की इबादत की नीयत है या नहीं है, ये कुर्बानी जाएगी। क्यों इत्तिहादिल मक़सूद, मक़सूद है कि ये हकीका भी इबादत, नफली कुर्बानी भी इबादत, दमे किराम भी इबादत, कुर्बानी तो मकसूद तो एक ही है इबादत, यार इन सब की कुर्बानी जायज होगी, ये कुर्बानी जायज होगी कितों के बीच में समझ आ गया, क्योंकि मकसूद एक ही है, और वो मकसूद क्या है कुर्बत, तो जैसे कुर्बत कुर्बानी में है, अकीके में भी है, नफी में भी है, दमे कराने में मकसूद एक ही है, वो क्या हुआ वो वाली कुर्बत, वो है इबादत। तो खुद वुजदहा दशब तो फिल वजह अल, पहली सूरत के अंदर ये शर्त पाई गई, इसीलिए कुर्बानी हो गई। पहली सूरत क्या थी, जब एक रिश्तेदार फौत हो गया और उसके वरसा ने उसकी तरफ से नफली कुर्बानी की नियत कर ली, तो नफली कुर्बानी भी कर ली, तो नफली कुर्बानी तो इबादत है, तो इबादत की नियत कर ली, तो इबादत वाली शर्त पाई गई, क्या सबकी कुर्बानी हो जाएगी। समझे, अब ये को गैर की तरफ से कुर्बानी हो सकती है, इन्होंने अपनी तरफ से नियत नहीं की, इन्होंने उसकी तरफ से नियत कर ली थी, उसकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं नफली कुर्बानी, तो गैर की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। पहला सवाल तो ये है, वैसे बिल्कुल हो सकती है, आपके सामने बार बार इस चीज का जिक्र कर दिया गया कि एक कुर्बानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से नहीं फरमाई थी, तो गैर की तरफ से हो रही है नहीं हो रही, और वो नफली कुर्बानी थी, तो मालूम है गैर की तरफ से नफली कुर्बानी हो सकती है, नहीं समझ आई बात। गैर की तरफ से कुर्बानी का होना और कुर्बतन, ये मशहूर है इबादत, गैर की तरफ से नफली कुर्बानी कर लो तो उसको इसका सवाब मिल जाएगा, ये भी इबादत है, ये मालूम और मशहूर है,
अल्लाह कह रहा क्या आपको पता नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बान करवाया था, गैर की तरफ से नकली कुर्बानी करवाई थी। मानो गैर की तरफ से नकली कुर्बानी बतौर इबादत के हो सकती है, ज्यादा बड़ा साल नियत कर ले कुर्बत की, नकली इबादत की कुर्बानी बिल्कुल हो गई। नहीं समझ में कुर्बत वाली नियत आ गई, ज्यादा इस जानवर में जितने भी शरीक थे सब की कुर्बानी, तो कुर्बानी के जायज होने की शर्त पाई गई। वो क्या शर्त है? कुर्बत कुर्बत इसके हिस्से में भी आ गई, बरसाने नियत अगर करिए बकरी कुर्बानी अला मारो वही ना मिल कबलू, जैसे कि हमने पहले भी बार बार रिवाइज कर दिया तो दूसरे सब में उम्मत की कैसे कुर्बानी फरमाई थी। हाँ, ये जो कुर्बानी के जायज होने की शर्त है कुर्बत और इबादत, हर शरीक ने इबादत वाली नियत की और वो इबादत का अहल भी हो, तो अहल नहीं फिर भी इबादत है, तो बगैर इबादत के कुर्बानी किसी की भी नहीं होती। ये इबादत वाली शर्त दूसरी सूरत में नहीं पाई, क्यों? दूसरी जो नसरानी वाली थी या कादियानी वाली थी या कुफरी अकीदे वाला कोई भी शख्स साथ आकर जुड़ गया तो के लिए अन्य नसरानिया लैसा मिन अहलिया, ईसाई इबादत का अहल ही नहीं, कादियानी इबादत का अहल ही नहीं है, ज्यादा इबादत की नियत भी करेगा तो इबादत नहीं है। नहीं है तो उस जानवर में किसी की भी कुर्बानी, क्योंकि तो शर्त नहीं पाएगी कुर्बानी। इसी तरह वो कजा कसबी है, गोश्त का इरादा करना ये भी मुनाफी है कुर्बत होने की, वो गोश्त की नियत से कर रहा है इबादत की नियत से नहीं कर रहा। तो ऐसा मुरीद लहम अगर आ गया उस जानवर में भी किसी एक की भी कुर्बानी जायज नहीं होगी, क्योंकि तो कुर्बानी के जायज होने की शर्त नहीं पाएगी, और शर्त क्या थी? कुर्बत और इबादत। और जब एक आ गया कुफरिया कीदे वाला या मुरीद लहम तो उसकी तो होगी ही नहीं, लेकिन उसकी बरकत से किसी की भी नहीं होगी। और कुर्बतन, जब पांच शरीक ऐसे हैं कि जिनका हिस्सा इबादत के तौर पर नहीं आ रहा, और पहले गुजर चुका कि कुर्बानी नाम तो जानवर के गले के ऊपर छुरी चलाने का है, और ये खून बहाना, खूनी चलाना, छुरी चलाना, इसमें तजज्जी और टुकड़े नहीं हो सकते। अगर होगी तो सबकी तरफ से छुरी चलाना इबादत होगा, और नहीं होगा तो किसी की तरफ से। तो बात तो वो है जिनकी इबादत हो ही नहीं सकती, जिनकी कुर्बानी बतौर इबादत के नहीं है, तो जब बात की इबादत नहीं तो फिर किसी की भी इबादत नहीं होगी, क्योंकि इराकत यानी खून बहाना और छुरी चलाना इसमें तजस्वी नहीं हो सकती, टुकड़े नहीं हो सकते कि किसी की तो इबादत के तौर पर हो जाए और किसी की हो, क्योंकि छुरी तो एक ही चल रही है, इसमें टुकड़े नहीं हो सकते। खून बहाना इसके टुकड़े नहीं हो सकते इबादत के हक में कि किसी की तो इबादत हो जाए, खून बहाना किसी की तरफ से बतौर इबादत क्यों हो जाए और किसी की तरफ से ना हो, ये नहीं हो सकता। जब तो एक की भी तरफ से कुर्बत नहीं है तो फिर लंघिया पारणी कुल्लू अईबन, किसी की तरफ से भी वो इबादत नहीं बनेगी। लिहाजा फम तना हन जवाजो, कोई एक शरीक भी अगर गड़बड़ा आ गया तो जायज भी नहीं होगी कुर्बानी, दोबारा करनी पड़ेगी, सवाब ही नहीं होगा, इबादत ही नहीं होगी, वाजिब ही अदा नहीं होगा। नहीं समझ आई बात? खत्म। वहां जल लगी जकर कहने लगी, ये जो तफसील बयान की है ये इस्तेहसान के तौर पर की है, वरना कयास का तकाजा ये था मरहूम वाली कुर्बानी भी नहीं होनी चाहिए। वल कयासु अल्ला यजूदा, पहली सूरत में भी कुर्बानी नहीं था, इस्तेहसान क्या क्या होनी चाहिए, कयास क्या क्या नहीं होनी चाहिए, और इस्तेहसान का शक्ल हदीस के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज की तरह से उम्मत की तरह से नकली कुर्बानी फरमाई थी, ये क्या क्लियर होनी चाहिए, क्या क्या करना नहीं होनी चाहिए, क्या से जल्दी क्यों ज्यादा होनी चाहिए, क्यों अल्लाह वह रिवायत, यही एक रिवायत जो हम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से है, वजह क्या, दलील क्या है, ये अन्नहू तबर्रुउन बिल इतलाफी, क्या माना नीचे क्या लिखे, ये अन्न इजाजत अल वरसति बिल जिबही अनिल मैत
क्योंकि जब वरासा ने शरीक की वफात के बाद इजाजत दे दी किसी की कुर्बानी की, तो गोया उन्होंने माल के जाया करने की इजाजत दे दी मैयत की तरफ से, माल जाया करने, माल खत्म हो गया, माल के वरासा के हक था, तरसा बन गया, उन्होंने कुर्बानी कर दो, माल जाया कर दी, माल के जाया करने की इजाजत दे दी है, और वो भी गैर की तरफ से, गैर की तरफ से माल जाया करने की इजाजत नहीं। दलील इसकी भी दलील कहते हैं हमारे पास कयास दलील है, इसको हमने कयास किया कल अनिल मैयत, जैसे कोई शख्स मैयत की तरफ से आजाद कर दे किसी गुलाम को। आजाद करने में दो सूरतें हो सकती है, एक तो ये कि आजाद अपनी तरफ से कर रहा है, सवाब मैयत को पहुंचा रहा है, वो तो भी निजमान जायज है, एक ये मैयत की तरफ से आजाद कर रहा है, और एक ये मैयत की तरफ से कुर्बानी कर रहा है, वो या मैयत की तरफ से माल जाया कर रहा है, तो जैसे एहताक मैयत की जानब से सही नहीं, क्योंकि माल जाया कर रहा है, गुलामी खत्म कर रहा है, उसको आजाद कर रहा है, तो मैयत की तरफ से माल का जाया करना जाए, तो यही माल का जाया करना जो कुर्बानी होती है, तो वो भी गैर की तरफ से, मैयत की तरफ से, ये जायज नहीं होगा। क्या इसका तकाजा तो नहीं होगा एहताक की तरह, ये जायज नहीं होना है। लाकिन्ना नकूलु, लेकिन हम इसका जवाब देते हैं, अल-क़ुर्बतु तक़ता'उ 'अन-फ़ईल मैयती, कि देखो इबादत वाला मामला जुदा है, इबादत कभी मैयत की तरफ से भी हो जाती है, जैसे सदका हो जाता है, आप सदका मैयत की तरफ नहीं कर सकते अपनी सदका, तो इबादत भी हो भी इबादत है, ये भी इबादत है, तो मैयत की तरफ से तो हो सकती है। अब बखिलाफ एहताक के, गुलाम के ऊपर क्यास करना ठीक नहीं है, एहताक के ऊपर क्यास करना, ये अन्न भी इल्जाम मैयती, क्योंकि इसमें एक खराबी नाफे आ रही थी, इसलिए मैयत की जानब से एहताक की गई। खराबी क्या है, मुअत्तक का जब इंतकाल होता है और उसका कोई वारिस नहीं होता, तो ये आजाद करने वाला मौला ही उसका क्या होता है, समझे, वो क्या होता है, उसका वारिस होता है। ये इल्जाम लुजूम वाला पहलू आ रहा है मैयत के ऊपर, इसलिए हमने इसको जायज करार नहीं दिया, लेकिन बाकी नफली इबादत वो तो हो सकती है मैयत की तरफ से, सदका भी हो सकता है, सदका में फरमाई थी, बात खत्म होगी। وَلَوْ ذَبَحُوهَا عَنْ صَغِيرٍ فِي الْوَرَثَةِ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ, किसी ने कुर्बानी की वरसा, हाँ, وَلَوْ ذَبَحُوهَا عَنْ صَغِيرٍ فِي الْوَرَثَةِ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ جَازَ, صغیر کی جانب سے قربانی کی یا ام والد ولد کی جانب سے قربانی کی, یہ جائز ہے, قربتم یہ بھی عبادت ہے, صغیر کی طرف سے کسی نے ولی نے اس کی طرف سے قربانی کر لی, یا مولا نے اپنی ام والد کی طرف سے قربانی کر لی, تو غیر کی طرف سے تو عبادت ہو سکتی ہے, صغیر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, جائز ہو, دیکھ قربت ہونا ضروری ہے, صغیر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, نقلی قربانی ہو سکتی ہے, मैयत की तरफ से हो सकती है, तो शरीर की तरफ से भी हो सकती है, अपने वालद की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक फौत हो गया, शरीर फौत हो गया, या उन्हें वालद फौत हो गई, वो लोग माता सजा बना है ना, और अब बाकी शुरुआत ने उस जानवर को जिबा कर लिया वरसा की इजाजत के बगैर, ये जायज नहीं होगा, ये जायज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब उसका हिस्सा तरका बन गया, जब तरका बन गया तो वरसा उसके मालिक बन गए, जब वरसा मालिक बन गए तो उनकी इजाजत से ये कुर्बानी हो सकती है, वरना ये कुर्बानी नहीं, और जब इजाजत उन्होंने ना दी और हिस्सा उनका था, तो बगैर इजाजत के कोई इबादत ना हुई, जब इबादत एक हिस्सा इबादत ना हुआ तो किसी की भी कुर्बानी नहीं, ये अन्नहुलम यकोहा कुर्बतन, जब वरसा ने इजाजत न दी तो एक हिस्सा इबादत न हुआ और पहले गुजर चुका था, अभी आज ही के सबक में वही मातपदमा वो जी दल की, और पिछली सूरत में जो गुजर चुका उसमें तो
मैयत की तरफ से उसके वरसा में इजाजत दे दी थी कि उसकी तरफ से दसवीं कुर्बानी कर लो, तो वो इबादत बन गया था, ज्यादा वहां से कुर्बानी जायज हो जाएगी। इस केस में इजाजत ही नहीं दी, ज्यादा कुर्बानी जायज नहीं, क्योंकि एक हिस्सा बगैर इजाजत के कुर्बत ना बना, क्योंकि एक हिस्सा इबादत कुर्बत ना बना तो कोई भी हिस्सा ना बना, ज्यादा यानी कुर्बानी नहीं होती। और पहली सूरत में बुझी तरी इबी वरसा की जानब से इजाजत पाई गई थी, लिहाजा पका ना वो इबादत बन गई समझे। और यहाँ वरसा की तरफ से इजाजत नहीं पाई गई, उम्मे वलद के वरसा या शहीद के, लिहाजा ये इबादत नहीं बनेगी। खैर ये आपको मालूम हो गया, ये बड़ी ही एहतियात की बात है, जब सात बंदे शरीफ हो तो बंदे को देख लेना चाहिए मेरे साथ वाले का अकीदा क्या है, उसका अकीदा गड़बड़ है या नहीं है, उसका अकीदा कोई एक भी ऐसा कुफरी अकीदा वाला आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी।